पदमपुर उपनिर्वाचन पई प्रार्थी मध्य भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व गत दुई दिन तलु मोहर लगे सारी प्रदीप पुरोहित ये पद्मपुर वासींकर स्वार्थ पई लड़े करूथिले लड़े करूछंती आगामी दिन रे मध्य लड़े करिवे ए उपनिर्वाचन रे जो जो माने 22 वर्ष धरी लोकों दायित्व देइछंती ओडिसा आज पैकेज घोषणा करिया पई पडुची वोटर को प्रभावित करिया पई लोके से मानन को जानिछंती निश्चित रूपे प्रदीप पुरोहित जो बलिष्ठ नेतृत्व से निश्चित रूपे भगवान नृसिंहनाथ पाखे आम पूजा कर माँ दुर्गा आशीष नहीं आम निर्वाचन प्रचार कार्य को बाहर प्रथम दिन धर्मेन्द्र प्रधान देखो निश्चित रूपे ये नोमिनेशन काली जेतोबले करा जाउछि भारतीय जनता पार्टी केन्द्र मंत्री मैंने आसुछन्ति धर्मेन्द्र प्रधान मध्य आसुछन्ति विशेश्वर टुडु मध्य आसिबे अनेक सांसद आमर अछन्ति स्थानीय सांसद सुरेश बाबू एवं आमर बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव एवं संबलपुर नीतीश गंगदेव नुआपड़ार पूर्वतन सभापति आम बसंत पंडा सांसद मध्य अनेक विधायक मध्य राज्य नेतृत्व माने रोचंती सर्वोपरि प्रत्येक पंचायत रु पद्मपुर निर्वाचन मंडली भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता माने एवं साधारण जनता उपस्थित निश्चित रूपे लोके जानिगले जो माने आज विभिन्न उपनिर्वाचन दायित्व नबार कथा कहते लोक उचित जवाब दौरान 22 वर्ष होगा दायित्व नहीं पारे आज दायित्व ने उपनिर्वाचन समय आज पैकेज घोषणा करेंगे ये रामनगरवासी जवाब मध्य जवाब देवे बार्ता यहाँ विकास बार्ता 22 वर्ष होगा गोटे निर्दिष्ट दल नवीन बाबू नेतृत्व सरकार अच्छी पदमपुर सब डिविजन पदमपुर निर्वाचन मंडली पछुआ अंचलटा जिते आमर प्रार्थी चलित निर्वाचन उपनिर्वाचन प्रार्थी प्रदीप पुरोहित जिते विधायक थे 2014 मसीह 2019 पर्यंत से समय पदमपुर स्वर विधानसभा शुणुलु आम एवं विधानसभा निरवता ना पदमपुर प्रश्न उठू ना पदमपुर अंचल समस्या प्रश्न उठू आ केन्द्र में जो विकास धारा चलती से विकास धारा मध्य पदमपुर पहुंची पार नहीं तेणु विकास से मुद्दा हे फसल बीमा ये अंचल चाषी मैंने तली तलांत तो राज्य सरकार निष्पत्ति करने विलंब करा भी प्रसंग हम ये अंचल जलसेचन से प्रसंग हम शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रसंग हम तेणु सामग्रिक भाव में मत लगुच पछुआ अंचल भितर गोटे अंचल पदमपुर जार विकास दायित्व भारतीय जनता पार्टी नब कुबूर नेतृत्व में प्रदीप पुरोहित नेतृत्व में अंचल विकास आरंभ हम रहा मुख्यमंत्री प्रतारणार कथा विजेपुर निर्वाचन तो से निजे छिड़ा होती निर्वाचन में जयजुक्त दिने दायित्व रही इस्तफा देदे दिने विजेपुर को धन्यवाद देवाई आसिले ना जो विकास शिलान्यास करते से शिलान्यास गला कड़े पुणे भावुंज पदमपुर में विजेपुर जो कौशल व्यवहार करते प्रयोग करेंगे ये प्रयोग पदमपुर विफल हम भारतीय जनता पार्टी धामनगर निर्वाचन में जीतला जयजात्रा भारतीय जनता पार्टी आरंभ है पदमपुर द्वितीय उपनिर्वाचन जितबू एवं संकेत देवु सारा ओडिशा को 2024 जो साधारण निर्वाचन से साधारण निर्वाचन में ओडिशा रे विजु जनता दल को परास्त करिवु ओडिशा रे प्रथम तरह पर भारतीय जनता पार्टी सरकार करिवु नुआ ओडिशा निर्माण करिवु देखंतु गतकाली भारतीय जनता पार्टी केन्द्रीय नेतृत्व पद्मपुर उपनिर्वाचन रे मते प्रार्थी घोषणा करिसंती आज से प्रभु नृसिंहनाथ महाप्रभु पाखरे दर्शन करने आशीर्वाद नेवाई माँ जगत जननी दुर्गा पाखरे मुंडिया मारी पणत काढ़ मुंड ढापापी आज आशीर्वाद नेवाई आम आसी मोसह आम दलर नेता भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति समीर महांती महोदय मध्य आशीर्वाद नेवाई मोपाई सुरेश पुजारी मान्यवर सांसद आसी नावरी नायक विधायक आसी जिला सभापति अश्विनी समस्ते आम नेतृत्व आसिक आम आशीर्वाद नेलु एवं भगवान आशीर्वाद नहीं कि ए निर्वाचन मैदान में ओल्लबू मु तो गत 35 वर्ष है जो दिन गंधमार्दन सुरक्षार आंदोलन है
সেই দিন মু কেবে ভাবি নথিলি বিধায়ক হৈ কি নির্বাচিত হেবি কিন্তু পদমপুর বুঢ়াসম্বর অঞ্চলৰ গন্ধমার্দন সুরক্ষাৰ আন্দোলন টু আৰম্ভ কৰি কি পৰৱৰ্তী সময়ৰে কৃষক মানকৰ সমস্যা কেন্দুপত্ৰ শ্রমিক মানকৰ সমস্যা অনেক প্ৰসংগ নে কি মু 35 বৰ্ষ হেলা বুঢ়াসম্বর পদ্মপুর অঞ্চলৰ লোকক সহ জড়িত আছি মু এমএলএ থাকে কি নথায় মু লোকক সমস্যা সহ লোকক সহ পদ্মপুর অঞ্চল পাই মু জড়ি কি আছি এবং আশা করুছি যদি এথর পুনি থরে লোকে আশীর্বাদ দেবে মোর তো ভরসা বিশ্বাস আছে যে পুনি থরে লোকে আশীর্বাদ দেবে পুনি থরে যদি আশীর্বাদ দেবে লোকে বিধানসভাকে পঠাইবে তাহলে নিশ্চিত রূপে পদ্মপুর যেতে বড় বড় প্রসঙ্গ আছে পদ্মপুর সব ডিভিজন কু গোটে জেলা করিবার আবশ্যকতা আছে গোটে চক্রান্ত কারণর বরগড়র নেতৃত্বর চক্রান্ত কারণর আমার জেলা হয়ে পারা না দ্বিতীয় কথা হল জলসেচনর মরুড়ি অঞ্চল জলসেচনর ব্যবস্থা ঠিক ঢঙ্গে সরকার কলে না প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা হোক ইনপুট সবসিডি হোক কেন্দুপত্র শ্রমিক মানকর সমস্যা অনেক প্রসঙ্গ এই অঞ্চলের অছি এ সমস্ত প্রসঙ্গক মু তো বিধানসভাকু গলে হাত টেকিবা মু বিধানসভাকু যিবি না অঞ্চলর সমস্যা অঞ্চলর অনেক প্রসঙ্গক নেই বিধানসভা ভিতরে ওড়িশা সরকার পাখে জোরদার মু আওয়াজ উঠাইবি লোকঙ্কর সমস্যাকু বিধানসভা পাখে পৌঁছাইবা মু দায়িত্ব নির্বাহ করিবি আশা করছি প্রভু নৃসিংহনাথ মহাপ্রভু মা জগজ্জননী দুর্গাঙ্কর আশীর্বাদ নেবা পরে পদ্মপুর অঞ্চলর জনসাধারণ ভোটর মানে মধ্যে মতে আশীর্বাদ দেবে ই আশা এবং ভরসা করুছি।